इसकी वैल्यू बताई होती है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू बताई होती है, ये x क्या है, ये 0x है और ये कहां तक जा रही है, फॉर एग्जांपल वो यहां तक जा रही है, ये 10 दिया हुआ है, ठीक है। और ये हाइट की वैल्यू कितनी है, ये हाइट की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये 3 है या 5 जो भी, सर के पास ना, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सारी हाइट इस तरह से करके क्या वैल्यू होगी, 5 दी होगी, इसीलिए इसकी 5 हाइट है, ठीक है। और x1 x2 बताया हुआ, ये फॉर एग्जांपल ये 0 1 2 3 4 बनता है, ये 4 से लेकर 4 5 6 7 8 8 तक, ये सब की बात है ना, ठीक है। सवाल ये है कि ये पहले सॉल्व तो करो, बहुत बहुत दूर की बात नहीं, एफिशिएंटली तो बड़े वो बात की बात, पहला सवाल ये कि सॉल्व तो करो, सॉल्व कैसे करो, प्लीज स्टैंड अप, ओके बट अभी बड़ी रिसर्च क्वेश्चन, अब तो नहीं क्वेश्चन, अब सही समझ पाए, एक पॉइंट्स गिवन।